तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केओ जीरो बिन। तो गाइस आज इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि गाइस आज जो है गाइस हमारा अपडेट जो है आ चुका है, ठीक है। तो अभी तक जो है इस टाइम पर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो गाइस काफ़ी लोगों ने जो अपडेट गेम को कर भी लिया होगा, ठीक है। तो गाइस ये जो वीडियो गाइस मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि गाइस जो है अपडेट के बाद जो है काफ़ी सारी जो वेपन्स है गाइस हमारी फ्री फायर की, उनके जो है एट्रीब्यूट्स में जो है चेंजेस होने वाले हैं। यानी कि काफ़ी सारे जो है अलग अलग वेपन्स जो हमारे फ्री फायर में हैं उनके जो गाइस एट्रीब्यूट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि रेट ऑफ फायर हुआ, किसी का डैमेज हो गया, किसी का कुछ हो गया, ठीक है। तो इन सब में गाइस थोड़ा जो बैलेंस लाने के लिए जो गाइस गरी ने जो है हमारा पैच अपडेट में जो है उनके जो है वेपन बैलेंस एडजस्टमेंट जो है करती है, ठीक है। तो कौन सी वेपन्स में जो है ये बैलेंस हुआ है वो आज इस वीडियो में बताऊँगा, और क्या जो है उसमें हुआ है वो भी बताऊँगा। तो गाइस ये जो चेंजेस हैं आपको जो है गेम खेलने के दौरान जो है पता चलेंगे। तो गाइस सबसे पहला जो चेंज हुआ है गाइस वो इन सारी वेपन्स के अंदर हुआ है, जैसे कि UMP, MP5, थॉमसन, उजी और MAG-7, इन सब के जो है रेंज में जो है एडजस्टमेंट किया है। क्योंकि गाइस ये जो सारी गन है गाइस ये लॉन्ग रेंज में कुछ ज़्यादा ही जो है अच्छा मतलब परफॉर्मेंस दे रही थी, यानी कुछ ज़्यादा ही जो है ओवर पावर हो रही थी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गाइस इन लोगों ने जो है इसकी इन सभी गन्स की जो है रेंज में जो है थोड़ा थोड़ा रेंज को जो है थोड़ा थोड़ा कम कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं गन जो है कौन सी और किस में जो है कितना रेंज का जो है फ़र्क इन्होंने कम किया, यानी कि UMP में जो है -5% जो है इन्होंने रेंज कम कर दी है। इसके अलावा गाइस MP5 में भी जो है -3% जो है रेंज कम कर दी है, थॉमसन की भी 3% करी है, उजी की जो है 5% करी है, और दूसरी तरफ जो है मैक की जो है 3% जो है रेंज कम कर दी है। तो गाइस किसी भी बैटल के अंदर जो है रेंज बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो गाइस अगर आप मानी जो UMP चला रहे हैं और रेंज का थोड़ा सा भी डिफरेंस हो जाए तो जो गाइस सामने वाले बंदे को जो है डैमेज कहीं ना कहीं कम पड़ता है। तो गाइस इससे जो है थोड़ा सा चेंज जो है आपको पड़ेगा गेम में, ठीक है। और ये चेंजेस गाइस आपको जो है OB31 अपडेट आने के बाद पता चलेंगे जब गन्स आप चलाओगे, ठीक है। तो गाइस ये जो रेंज इन्होंने कम करी है गाइस गन्स की, ये गाइस आपको सही लगा कि नहीं नीचे कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद गाइस बात करें तो गाइस हमारे जो कार गन है गाइस AR वाली, उसमें जो है थोड़ा सा जो है रिकॉइल को जो है कम कर दिया, जिससे गाइस उसकी जो है एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो गाइस अपडेट के बाद जब आप गन चलाएंगे इस कार, तो गाइस कहीं ना कहीं उसकी जो है बुलेट जो है सामने वाले बंदे को जो है ज़्यादा लगेगी ड्यू टू इट्स लो रिकॉइल। तो गाइस इस अपडेट में जो है इस कार को जो है थोड़ा सा बफ मिला है। अब देखते हैं गाइस कि वो जो है उसको कितने लोग जो है पसंद करते हैं, या फिर वो ओवर पावर हो जाती है तो फिर हो सकता है उसे अगले अपडेट में जो फिर से गिराना पड़ जाए, ठीक है। तो गाइस इसके बाद जो गन है गाइस वो है हमारी M60, जिसमें जो है रिकॉइल को जो है 30% तक जो है कम कर दिया गाइस। 30% गाइस बहुत ज़्यादा होता है। तो गाइस इससे जो है बहुत ज़्यादा जो एक्यूरेसी जो है बढ़ जाती है M60 की, ठीक है। तो पर ये गाइस इसके अंदर कंडीशन ये है कि गाइस उसके लिए गाइस आपको प्रोन या क्राउच होना होगा, यानी लेटना या बैठना होगा, तभी गाइस जो इसका जो मशीन मोड होता है वो एक्टिवेट होगा। और उसमें जो है ये चीज़ हुई है, ठीक है, मशीन मोड वाले में हुई है। नॉर्मल अगर आप खड़े होकर चलाओगे तो गाइस वो नॉर्मल की तरह चलेगी, लेकिन अगर आप जो प्रोन करते हुए बैठ जाते हो या लेट के जब M60 चलाते हो तो वो मशीन मोड में होती है, तो उसकी जो है 30% एक्यूरेसी कह सकते हैं बढ़ जाएगी। तो गाइस बुलेट जो है बहुत ज़्यादा लगेंगे, तो कह सकते हैं हो सकता है डेडली भी हो जाए। 30% गाइस बहुत ज़्यादा होता है गाइस। अब देखते हैं गाइस ये जो है गेम में कितना डिफरेंस लाती है। तो गाइस फटाफट से मैं बता देता हूँ कि जो नेक्स्ट चेंज हुआ है गाइस वो है हमारे UMP एंड एग्जेबिट में, जिसमें गाइस इसका जो है रिलोड टाइम को जो है थोड़ा बढ़ा दिया है। तो गाइस इसमें जो है रिलोड टाइम बढ़ेगा तो गाइस कहीं ना कहीं जो है इसको थोड़ा मतलब गन जो है रिड्यूस होगी, यानी कि इसको जो है थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा कि इसको जो है रिलोड करने में ज़्यादा टाइम लगेगा इन दो गन्स को, UMP और एग्जेबिट। तो गाइस जो भी रिलोडिंग है इनका टाइम इस टाइम पर है वो अपडेट के बाद जो थोड़ा सा कम कर देंगे। तो गाइस इससे जो है काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि रिलोड टाइम जो बहुत मैटर करता है। अगर आप कोई फाइट ले रहे हो और गाइस गन रिलोड पे ही चली जाए और रिलोड जल्दी ना हो तो हो सकता है सामने वाला आपको जो है पहले रिलोड कर ले गन अपनी और वो जल्दी से आपको मार दे। तो गाइस सिंपल में बताओ तो UMP और एग्जेमेट की जो पावर है इसे थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि इन दोनों को जो है रिलोड होने में और ज़्यादा टाइम लगेगा, तो लोग इसको जो है शायद कम प्रीफर करें। तो गाइस इसके बाद जो गन है उसमें चेंज हुआ है वो है हमारी MP5X। तो गाइस इसमें जो है रेट ऑफ फायर को और बढ़ा दिया गाइस, पहले से ही गाइस ये इतनी डेडली गन है और ऊपर से इसका जो है इंक्रीज कर दिया है रेट ऑफ फायर। तो गाइस मुझे लग रहा है ये वाली जो MP5 है गाइस काफ़ी OP होने वाली है। और गाइस मुझे पता है कि ऐसा इन लोगों ने क्यों किया है, क्योंकि गाइस मैंने सुना था कि गाइस एक MP5 की जो न्यू स्किन जो है आने वाली है गाइस वो शायद बहुत ही जो है OP स्किन होगी। तो गाइस अगर MP5 की जो है पावर को थोड़ा बढ़ाएंगे तो गाइस लोग जो है उसको स्किन को ज़्यादा निकालेंगे। तो गाइस ये होती है बिजनेस स्ट्रेटजी जो गाइस गरीना हर बार करता है, ठीक है। पहले इन्होंने UMP की जो पावर बढ़ाई थी क्योंकि इनको ईवो UMP निकालनी थी, ठीक है। अब इन्हें एक MP5 की स्किन निकालनी है नहीं, ठीक है। तो गाइस ये MP5 की पावर को भी थोड़ा बढ़ा रहे हैं। तो गाइस हो सकता है बाद में फ्यूचर में वापस से इसको सही कम कर दे। तो गाइस सोच समझ के जो है अपनी जो है पैसों को जो है इन स्किन्स पर खर्चा करें, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि गाइस एट्रीब्यूट्स में गाइस गरीना जब चाहे वो छेड़छाड़ी कर सकती है, ठीक है। तो गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट गन है जिसमें चेंज हुआ है वो गाइस हमारी है सिंपल वाली Kar98K, क्योंकि गाइस एक तो Kar98K जेड वाली होती है गाइस, उसमें तो उसकी तो बात ही छोड़ दो गाइस, वो तो बहुत ज़्यादा ही डेडली है, ठीक है। इस टाइम पे मैं तो चाहता था उसको कम कर दे, लेकिन गाइस जो सिंपल Kar98K है उसका रेट ऑफ फायर उन्होंने जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ठीक है, ताकि वो जो है लोग उसको ज़्यादा प्रीफर करें। और हो सकता है फ्यूचर में गाइस X वाली को गाइस गरीना हटा भी दे अगर ये वाली थोड़ी ठीक ठाक हो जाए मतलब चलाने लायक। तो गाइस जो नेक्स्ट गन है जिसकी जो है एट्रीब्यूट्स में चेंजेस हुए हैं गाइस वो है हमारी क्रूज़ा।
गाइस ग्रूजा के जो है आर्मर पेनिट्रेशन को गाइस इन्होंने 20% तक जो है बढ़ा दिया है OB31 अपडेट के अंदर, ठीक है। तो गाइस ग्रूजा जो है गाइस पहले से इतनी बढ़िया गन है, और गाइस उसका जो है आर्मर पेनिट्रेशन बढ़ने के बाद तो गाइस सामने वाले बंदे पर इतना ज़्यादा जो है उसका आर्मर कह सकते हैं इतनी जल्दी तोड़ देगी गाइस ये वाली जो गन है, और भी ज़्यादा जल्दी जो है गन ये उसका आर्मर तोड़ देगी। तो गाइस आर्मर टूटने के बाद उसको इतना ज़्यादा डैमेज पड़ेगा, तो गाइस ये जो गन है गाइस काफ़ी पावरफुल होने वाली है अपडेट के बाद। तो गाइस आर्मर पेनिट्रेशन बढ़ने का मतलब ये होता है कि गाइस अगर सामने वाले जो बंदा है गाइस उसका आर्मर को जो है गाइस आप जो है जल्दी जल्दी तोड़ सकते हो। अगर गाइस ये अगर आप चलाते हो तो गाइस इसका जो आर्मर पेनिट्रेशन उन्होंने बढ़ाया जैसे कि है ना, तो गाइस सामने वाले के बंदे का जो आर्मर है कह सकते हैं एकदम से फट जाएगा, मतलब बहुत जल्दी जो है टूट जाएगा। तो इससे गाइस एक बार आर्मर टूट जाएगा तो गाइस उसको जो है डैमेज जो है ज़्यादा पड़ने लगेगा। तो गाइस ये जो गन है गाइस हो सकता है आने वाले टाइम में ओवर पावर हो जाए। बाकी गाइस आपको ये चेंज कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस जो लास्ट चेंज हुआ है गाइस वो गाइस सभी वेपन्स पे वैलिड है, ठीक है। तो गाइस ये जो वेपन्स वेप टाइम है गाइस ये जो है हर वेपन का जो है इन्होंने थोड़ा सा टाइम जो है बढ़ा दिया है, मतलब कह सकते हैं गन जो आप स्विच करते हो गाइस एक गन से दूसरी गन पे स्विच करते हो, जैसे कि शॉर्ट रेंज से लॉन्ग रेंज में जाते हो गाइस गन पकड़ते हो, ठीक है। तो वो जो टाइम होता है गाइस उन्होंने हर गन का जो है इन्होंने बढ़ा दिया गाइस। तो गाइस जो पिस्तौल का टाइम है गाइस हो सकता है गाइस वो जो है बढ़ाया ना हो, लेकिन गाइस जो आप जो गन बदलते गाइस शॉर्ट रेंज से लॉन्ग रेंज में, ठीक है, तो गाइस वो जो टाइम होता है गाइस वो इन्होंने हर गन का जो है बढ़ा दिया है। तो गाइस ये जो चेंज है गाइस काफ़ी बड़ा चेंज है, और गाइस आपको जो अपडेट के बाद महसूस हो जाएगा जब आप गेम चलाओगे, ठीक है। तो गाइस आपको ज़रूर बताना ये कमेंट में कि ये चेंज है सही लगा आपको कि नहीं। और गाइस लास्ट में जो गाइस हमारे जो फ्लैश बैंक होता है गाइस उसका जो इंडिकेटर होता है कि हमें जो पता नहीं चलता कि सामने वाले बंदे को जो वो फ्लैश हुआ है कि नहीं, तो गाइस उसका जो एक अलग से इंडिकेटर इन्होंने बनाया है। तो गाइस जब भी आप फ्लैश बैंक आप किसी पर डालोगे तो आपको और आपके टीममेट्स को जो पता चल जाएगा कि सामने वाला बंदा जो है फ्लैश हो गया, यानी वो अंदाजा हो गया है, ठीक है। तो गाइस ये कुछ चेंजेस थे गाइस जो बैलेंस होने वाले हैं हमारी वेपन्स में, ठीक है, OB31 अपडेट के बाद। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही बताना था। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइस, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ। ओके बाय।